इंदौर के भवरकुआ इलाके में बहुमंजिला इमारत की चौथी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब वह मोबाइल पर बात कर रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे आ गिरा। उसे साथ ही निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां उसकी मौत हो गई। 18 वर्षीय छात्र महेश्वर से इंदौर में नेवी की तैयारी करने आया था। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक घटना पिपल्या राव की है। यहाँ रजोमा अपार्टमेंट के रूम नंबर 36 में युवराज उम्र 18 वर्ष पुत्र योगेश गहलोत किराए से रहता था। रात करीब 9:30 बजे के लगभग वह छत पर मोबाइल से बात कर रहा था। इस दौरान मुंडेर के यहां संतुलन बिगड़ने से वह नीचे आ गिरा। उसकी चीख सुनकर बिल्डिंग के अन्य लोग बाहर पहुंचे, जहां सड़क पर युवराज खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, यहाँ देर रात उसने दम तोड़ दिया। युवराज मूल रूप से महेश्वर का रहने वाला है। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके परिवार में छोटी बहन है। वही पिता योगेश समाज के अध्यक्ष होने के साथ ही किसानी का काम भी करते थे। कुछ माह पहले ही इंदौर आया था। यहाँ एक निजी एकेडमी में पढ़ाई करते हुए वह नेवी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले साल महेश्वर में ही नर्मदा नदी में अंतर्राज्यीय नौका विहार प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें युवराज को गोल्ड मेडल भी मिला था। वह स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव था। परिवार के लोगों के मुताबिक वह पढ़ाई में भी काफ़ी होनहार था। उसका देश सेवा का सपना था। अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग उसके शव को महेश्वर ले गए हैं। रिश्तेदार विजेंद्र मौर्य ने बताया कि युवराज के पिता योगेश खुद सेना में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी की थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान योगेश के पिता का देहांत हो गया था। इसके बाद वह परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे। शादी के बाद जब युवराज का जन्म हुआ तो उन्होंने फैसला लिया कि वह बेटे को सेना में भेजेंगे, जिसमें उन्होंने पढ़ाई के साथ इंदौर में निजी कोचिंग संस्थान में उसे पढ़ने भेज दिया। गुरुवार रात जब बेटे की मौत की सूचना उन तक पहुंची तो वह कुछ देर खुद को संभाल नहीं पाए। शुक्रवार को बेटे के शव को देखने के बाद उन्होंने पत्नी को संभालते हुए कहा कि उनका सपना अधूरा रह गया। आज कुछ फोर्थ फ्लोर पे वो बात करते करते मोबाइल से नीचे, मतलब नीचे गिर गया मोबाइल से। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले ये महेश्वर से हैं।